नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दोस्तों चलिए बात करते हैं वृष राशि के बारे में। जिनके नाम की शुरुआत ब व उ ए से शुरू होती है उनकी राशि वृष राशि होती है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ सकारात्मक होने वाला है इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। जब सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दिन की शुरुआत में कोई घरेलू समस्या रहेगी लेकिन जल्दी ही उसका समाधान भी मिल जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको मानसिक सुकून देगा। किसी शुभ चिंतक की मदद से लंबे समय से अटका हुआ कार्य पूर्ण होने की संभावना है। यानी अगर आपका कोई काम ऐसा है, पेंडिंग वर्क है और वो अभी तक नहीं पूरा हुआ है, आपका कोई ऐसा नियर एंड डियर टाइप्स के लोग यानी उनके सहयोग से अब वो आपके काम हो जाएंगे, ऐसे शुभ संकेत जो है वो आपको मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको नहीं करना है या उनसे बचना है, वो आपके लिए एक नकारात्मकता जो है वो लेकर आ सकती है। किसी भी कार्य को कल पर न छोड़े और भाग्य भरोसे न रखकर अपना प्रयास करते रहें। देखिए, किसी भी काम को अगर आपको टाल मटोल करने की आदत हो जाएगी या आप सोचेंगे, बहुत सारे हम लोगों में से ऐसे आपको मिल जाते होंगे जो भाग्य ये सोचते हैं, अरे मेरे भाग्य में ये है नहीं, मेरे भाग्य में है नहीं। भाग्य ठीक है लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो वो आपका भाग्य नहीं। अब आप सोचिए कि आपके घर में एक सेब रखा है और आप और वो सेब फ्रिज में है और आप बेड पर सोए हैं और आप सोचे कि मेरा भाग्य हो ऐसा होता कि कोई मेरे सेब आ जाए मेरे पास। नहीं, आपको बेड से उठना पड़ेगा, आप बचाएंगे, फ्रिज को खोलेंगे, सेब निकालेंगे, सेब को काटेंगे, फिर खाएंगे। अगर आपने कर्म ही नहीं किया तो भाग्य आपका कभी नहीं बदल सकता। इसलिए अगर आप भाग्य के भरोसे रहकर सिर्फ अपने आप को कोसते रहेंगे कि मेरा भाग्य सही नहीं है, मेरा भाग्य सही नहीं, भाग्य तब सही होगा जब आप कर्म करेंगे। यानी आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत अगर आप करते रहेंगे, अनवरत अगर करते रहेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। स्वास्थ्य की अगर बात कर लें तो तनाव भरी स्थिति रह सकती है लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भाग्यशाली अंक आपके लिए 5 नंबर है। भाग्यशाली रंग आपके लिए गुलाबी रंग है। और अपने पर विश्वास करें और जो भी आपको काम मिल रहा है उसको आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए। नमस्कार।